सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने टॉप 6 लिप बाम्स। यू नो व्हाट, आई एम ऑब्सेस्ड विद लिप बाम्स। मुझे ना मतलब लिप बाम के बिना मैं रह नहीं सकती। मेरे जो लिप्स हैं ना इतने चैप रहते हैं ना, कभी कभी इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना, तो मुझे लिप बाम्स के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है। 6 से ज़्यादा मैं लिप बाम लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इसलिए मेरे पास ढेर लिप बाम्स है और उन्हीं में से कुछ मैंने अपने टॉप फेवरेट लिप बाम्स, कुछ विदाउट टिंटेड भी है बट कुछ टिंटेड लिप बाम्स भी है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले है ब्लू हेवन का ये लिप बाम। ये तो सबके पास होगा ही, आप सबके पास ऐसा हो नहीं सकता किसी के पास लिप बाम ना हो। और ये लिप बाम मुझे इतना पसंद है कि कम से कम आई थिंक 5 to 6 ईयर्स हो गए मैं इसे यूज़ करती हूँ। और मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है इसमें वो है बबल गम। वैसे तो इसके दो फ्लेवर और है, जो स्ट्रॉबेरी एंड आई थिंक कोको में है जो नॉर्मल है, बट सेकंड नंबर पे है टिंटेड लिप बाम जो कि ममा अर्थ का चेरी फ्लेवर है, जो ममा अर्थ का है चेरी टिंटेड लिप बाम। इस लिप बाम की खासियत यह है कि इसको आप लगाओगे तो आपको लिपस्टिक की जरूरत नहीं है और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा डिलीशियस है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ, यमी। और ये और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये एक्चुअली मेरी सेकंड जो है, ये सेकंड लिप बाम है मेरा सेकंड। मैंने इसको पहले भी एक बार यूज़ किया था बट इसके बाद मुझे इतना पसंद आया तो मैं दोबारा इसे परचेज कर लिया है। और इसकी क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसको अप्लाई करने में इतना स्मूथ लगता है लिप्स में। एक प्यारा सा हल्का सा टिंट छोड़ता है आपके लिप्स पर है। मेरे तीसरे लिप बाम मेबेलिन बेबी लिप्स कलर ये, और इसका जो शेड है वो है मैनहट्टन मूव। और ये इसका इतना प्यारा टिंट है ना, ये देखिए। और मेबेलिन लिप बाम्स किसके पास नहीं है, मेरा जो फर्स्ट लिप बाम था जो टिंटेड लिप बाम था मेबेलिन लिप बाम ही था। अगर इसको आप यूज़ करोगे तो आपको लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा शेड है और काफ़ी अच्छा टिंट ये आपके चेहरे पे देता है। और आप इसको एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। सो फोर्थ नंबर मेरा जो फेवरेट लिप बाम है वो नेक्स्ट वो अगेन ब्लू हेवन का जेली एंड बटर लिप बाम। और ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसमें इतनी खास खुशबू नहीं बट इसका जो फील है ना, जो आप लिप्स पे लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथ है। और अनदर ये टिंट थोड़ा आपके लिप में छोड़ता है और आपके जो लिप्स है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या बोलते हैं मॉइस्चराइज रहते हैं। और जो जितने भी लिप बाम मैंने आपको दिखाएं ये आपको सिर्फ समर्स या मॉनसून में नहीं, विंटर्स में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आपके विंटर्स में तो सबसे ज़्यादा ड्राई और चैप लिप्स हो जाते हैं तो ये विंटर्स में भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड फिफ्थ इस टॉरिन की स्किन केयर लिप प्लम्पिंग स्लीपिंग मास्क। ये एक्चुअली स्लीपिंग मास्क है, इसे रात को लगाकर सो जाओ। मैं इसको रात को ही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इसको रात को लगाकर सोती हूँ ना तो मेरे लिप्स सुबह तक इतने स्मूथ इतने प्लम्प हो जाते हैं ना। इसको ही मैंने फर्स्ट टाइम परचेज़ किया है और ये है इसका टेक्स्चर, काफ़ी स्मूथ टेक्स्चर है इसका, काफ़ी क्रीमी है ये लिप। इसको आप ऐसा मास्क लगाओ अपने लिप्स पे और हल्का सा टिंट छोड़ता है और इसकी खुशबू लाइक अ जैम। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड हाईली रिकमेंडेड और ये आता है मेरे फिफ्थ नंबर पर। एंड द लास्ट इज़ ऑल टाइम फेवरेट अपना पेट्रोलियम जेली। इसे कौन नहीं जानता और इसे कैसे भूल सकते हैं। पहला जो लिप बाम है, जो ये लिप बाम्स तो आए भी नहीं थे, सबसे पहले वैसलिन ही सबके घरों में यूज़ हुआ करता था। ऐसा कौन सा घर है जिसके पास ये पेट्रोलियम जेली ना हो, किफ़ायती सस्ता और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग जो आपके चेहरे आपके लिप्स पर रहता है। इसी आपके लिप्स के लिए नहीं, आपकी स्किन के लिए। आप अगर विंटर्स में अगर आपके हाथों पर लगा सकते हो, अपने एड़ियों पर लगा सकते हो इसको, विंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है। और इसकी तो मुझे और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये मात्र 5 रुपये का है, बड़े साइज़ के भी इसके वैसे नहीं आते बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली भी है और मेरे छोटू से बैग्स में ही आ जाते हैं। तो गाइस ये थे मेरे कुछ फेवरेट टॉप 6 मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा वीडियोज़ आगे बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।